चाय, ये अंडा रितु के लिए, मेरी कॉफी, ये मेम साहब। मेम साहब चले काम पे। हाँ, इन्होंने अभी काम स्टार्ट कर दिया। तो ये अपडेट हम अभी देना, एक्चुअली मिस हो गया हमसे कि मैंने काम ज्वाइन किया है, और रीज़न ये है कि बहुत जल्दी में हुआ सब कुछ, और लेकिन दैट डज नॉट मीन कि यूट्यूब इज़ नंबर टू, यूट्यूब इज़ अ प्रायोरिटी। एंड इस हफ्ता थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो, आई नो, बट नेक्स्ट वीक से आई एम गोइंग टू बी द सेम ओल्ड लाइफ विद रितु एंड विक्की, टू वीडियोज अ वीक। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। जी हाँ, जी हाँ। विक्की अब ख्याल रखेगा तनवीन का, तो आई होप ही डज अ गुड जॉब एंड आई होप आई डू अ गुड जॉब एंड गेट बैक टू यू गाइज। बाय, टाटा। टाटा। दिल ला के काम करी, रोना नहीं, जात नहीं आनी चाहिए। ओके जी, व्हाट इज दिस? हेलो कर दे, हेलो कर दे शायन, हेलो कर दे। कॉल हेलो, हाय, हेलो एवरीबॉडी। यस, पापा ने पाई नहीं करनी फिर इधर। गो गो, की डगो गया। ओ पापा चले सो, तू कर यार, पापा तू जाओ जाओ कर, टीम में चलना टी। अपनी मम्मी की वेट करते हुए इधर आ। मैं आ गई हूँ काम से वापस, और अच्छा लग रहा है आके, क्योंकि फ्राइडे है और दो छुट्टियाँ हैं, और आई नो आई डिड नॉट, ये मिस हो गया हमें बताना कि आई हैव जॉइंट वर्क अगेन। मैं पहले भी काम करती थी यहाँ पे, जब मैं दो बार 2018 में आई थी, तो कोई गल नहीं, फैंस कहीं से कहीं भी आ जाते हैं। ही इज़ रियली ग्रेट, क्योंकि उसका उसने आज उसने और मम्मा ने बहुत अच्छा तनवीन के साथ खेलते रहे पूरा दिन, बहुत ख्याल रखा। आई वॉज अ लिटल डाउटफुल अर्लियर टू ज्वाइन वर्क अगैन, क्योंकि अभी लॉकडाउन में तनवीन मेरे साथ लाइक 24 घंटे रही है, एक दिन भी कहीं दूर नहीं रही। इवन जब हम जाते भी थे कहीं भी, तो शी यूज टू बी स्लीपिंग, कभी ऐसे उसको छोड़ के मैं गई नहीं। तो अभी जब मैंने ज्वाइन करना था, तो आई वाज रियली डाउटफुल, बट देन आई थॉट कि कभी ना कभी तो होगा ही, कभी ना कभी तो वो स्कूल भी जाएगी जैसे, तो आई वुड हैव टू डू इट सूनर और लेटर। सो आई गॉट दिस, आई हैव दिस जॉब, जो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी आ रही है उसकी वजह से भी, इफ़ आई एम गेटिंग अ जॉब एंड दैट टू, इट्स अ रियली गुड जॉब, डेस्क जॉब है, ऑफिस जॉब है, और वो भी यहाँ न्यूयॉर्क में, घर के इतनी पास, and it's just 3 days a week, so that's the best. And अगर अमेरिका आए और तब भी घर बैठे रहे, तो क्या फ़ायदा अमेरिका आने का, राइट? तो बट इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट माई ब्लॉगिंग, बिकॉज आई हैव ओनली 3 days a week, आई हैव वर्क एंड देन 4 days a week आई एम वेली। सो जो वेले वाले दिन है तब हम ब्लॉगिंग करेंगे। साढ़े घर एक जो मुंडा है, मुंडे का नाम है तारा सिंह, तारा पाकिस्तान जाके रहेगा। अब एक कागज तो मोर नहीं लगेगी तो तारा पाकिस्तान ही जाएगा। क्या नहीं नहीं कहते तू का तारा सिंह आ दे लग जावा इधर 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 तारे, तू तो पहले नर्सरी राइम में देखी जा, पाकिस्तान का जाना है। तू गदर फिल्म फ्लॉप करती है डी, और छोटे सनी देओल इधर मुकर, तेरे भी नहीं दिखा दे, इनकलाब जिंदाबाद। तारा टप्पा लगा बॉर्डर, तारे ध्यान ना ले, तारे फोन तारे दे नाल जाएगा, तारा पीछे दे पीछे, तारे तू रिवर्स गियर पाता है।
तो अभी रितु ना अभी घर पे ना हमने मीट बनाना है, चिकन बनाना था। तो मम्मा कहते तू बोल ला, तू बोल ला, तू तू सही, तू बोल ला। अब फिर कहते गाला कर दे। तो मम्मा बोल रहे कि मुर्गा बनाते हैं, तो रितु बोला कि स्कूल में भी मुर्गा बनाते थे कई बेचारे बच्चों को। मैं कहा वो बेचारे आपके पास ही खड़े हैं। तो मैं बस सोच रही थी बनते कैसे थे, ऐसे करके ना ऐसे, मतलब इससे बना भी नहीं जा रहा। तो हमें क्या करते थे, हमें मुर्गा बना के हम कहते थे अभी चलो डंडे डंडे में पड़ते थे। मेरे साथ हुआ है, हट भी थी हमारे साथ में। आप भी बन जाओ मुर्गा, लेट्स ट्राई। नहीं हूं तेरे में को बनो ना, हूं तो बैग ही नहीं कटा हूं। लोग अपने सब्सक्राइबर्स के लिए इतना नहीं करोगे, फिर बोलेगी बस मंडा भी दो। नो 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 कि तेनू रात 12 बजे कौन दी संडे। नो 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 वाला पहले मैं तू दस ठीक ना गा तो भूल ही जा। सो दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग और आज मैं घर पे हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है बिकॉज इट्स सैटरडे और कल की एक छुट्टी और भी है। तो ऑल्दो आई एम जस्ट वर्किंग 3 days a week बट देन यू नो यू ऑलवेज हैव दिस स्पेशल थिंग फॉर द वीकेंड्स। और अगर कैमरा मेरे पास है तो आपको पता है दैट मैंडेटरी वेदर पोस्ट इज डेफिनेटली कमिंग। तो आज भी आज क्लाउडी है, बहुत ठंडा ठंडा क्लाउडी क्लाउडी, इतना ठंडा नहीं बट वन थिंग मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो ऑलमोस्ट खेत ही लग रहा है ना, वो है आई डोंट नो कॉर्न, कॉर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं, सो दैट्स ऑल कॉर्न। ये पूरा मिनी पंजाब हमारे बैकयार्ड में पापा ने बना लिया। हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास और मम्मा ने पिन्नी ले ली साथ। ओहो हो क्या टेस्ट है, नाइस। धन्यवाद तेरा बहुत बहुत दिल दे रहा है, तो जगह देते निकलन। मैंने लगा मेनू कुछ क्या दिल दे रहा है। वैसे ना पिगली आगे बैठना चाहिए था, पिन्नी खानी आए प्यार शेर दे मुंह खून लाता हूं। तुम भी कर ला ना अपना भी प्यार, शेर दे मुंह खून लाता मां। गलत कीता है नहीं नहीं मैं नवीं बनाईया, मैं कहंदी छ टेस्ट दिखाई तुम। नहीं नहीं पिन्नी हैलोवीन आ जा, छोटे होने का यही फायदा। गोदी बिठा ले ना। बिक्की और मम्मा गए हैं डॉक्टर के पास और मैं और तनवीन है गाड़ी में। सो ही इज बैक, मम्मा इज स्टिल देयर। और अभी ना मैं एक यहाँ पे पास में एक जगह है जहाँ बहुत अच्छा पिज्जा मिलता है, तो हम पिज्जे के लिए कम जाते हैं, लोकेशन के लिए जा जाते हैं। हाँ हाँ लोकेशन अच्छी है और आप लोग भी देखना, मतलब आप लोगों के लिए भी जा रहे हैं क्योंकि हम वी वांट यू टू सी द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। सो ब्यूटी जब भी मैट ब्यूटी होटल डिसेंट सोने का घर बनाया सच्ची सच्ची सामने था यार ये घर तो देखो सीरियसली लोग खड़े होके देख रहे हैं यार घर को सोने का घर। हाँ सोने का घर। तो
स्विट्जरलैंड आ गए। वाओ वाओ हमें 15 मिनट वेट करके गाड़ी में फिर से आना पड़ा पिज्जा लेने। दिस इज आवर फेमस यार। चलो लाइन। ओह नो, थोड़ी देर चलते। हमने गाड़ी में क्यों वेट किया? हम यहीं पे वेट कर लेते। हम नंबर वन सेटर बंद था। जब ये बंद थे ना तब भी आए थे हम पूछने, तो तब भी ये बोलते हैं कि अभी तक नहीं बना तो बाद में बनेगा। तो हमारे देखते हैं इन्होंने मेनू ने फड़ लिया। मैं कहा चल और इसको बोलते हैं फ्री एग्जीबिशन। ये देखो ए ए ए ए वो नीचे क्या है? रेल ट्रैक्स है बिल्कुल। आत्महत्या करनी। कितना सोना है। आई मीन ऐसे कोई पूरा सच्ची यार, इन्होंने स्विट्जरलैंड ही बना दिया ये वाला एरिया। तो गई हो तुम? नहीं, मैं डीडीएलजे में देखा। हां बिल्कुल डीडीएलजे में देखा मैंने। डीडीएलजे में देखा है। नहीं देखो तो सही कितनी इसकी यूरोपियन सी लुक है इस गली की। मदर टेरेसा की फोटो है तो पिज़्ज़ा प्लेस पता कब तो लगी? हाँ, मदर टेरेसा तो पिज़्ज़ा खाने आई थी। सच्ची फेमस है, सच में इतना फेमस है यहाँ पर मदर टेरेसा पिज़्ज़ा खाने आई थी। प्लीज ये इंडिया वाला ढाबा नहीं, पार ढाबा नहीं, चंडीगढ़ वाला की जेड़ा जेड़ा खाना है उसकी फोटो लगा दी। और वहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, मेरा एक चीज मिस हो गई। जब हम निकलने वाले थे वो बंदा जो गोरा था, बंदा मैं कहता है बिक्की को कहता ओके पाजी हमने सिद्धू देखा है, इसने पाजी बोला है। मतलब और कोई होता थी ची छो भी गई थी। ओ गुगलू। तो अभी हम जा रहे हैं मैं और बिक्की फाइनली मेरी घड़ी ठीक करवाने। आई लेट्स जस्ट होप आज हो जाए। आपको याद है मॉल वाला वीडियो जब हमारी लड़ाई हो गई थी, जब मैं अपनी एक्चुअली वॉच ठीक करवाने गई थी जो अभी तक भी ठीक नहीं हुई। तो अब भी जा रहे हैं मेसीज, लेट्स सी इफ दे कैन फिक्स माय वॉच दिस टाइम। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। एक बार ही मैं दिखाना चाहती हूँ गाड़ी का गंध। पर पिघली ताड़ी कली दी बेइज्जती नहीं हुंदी पई? नहीं आपकी अकेले की बेइज्जती थोड़ी हो रही है, बेइज्जती तो हम सबकी हो रही है ना। हमें सबको हमारी सबकी गाड़ी है, पैसे सबके लगे हैं। हां पर गंद तो मेरे कल्ले देगी ना। हां बेइज्जती तो सी नहीं, मैं भी दस जब तेरे लेके आना चीजें मिश्रण सारा मिश्रण खट्टा मीठा। नहीं खट्टा मीठा थले और भी चीजें दबी है। अच्छा हां हिडन ट्रेजर थले सारा एम&M पई है। ओ थैंक्स पिघलू। जी हां गाइस आप भी हम जा रहे हैं मेसीज, तो थोड़ा सा फाइनली लेट्स जस्ट लेट्स हो। और बिक्की कह रहा है कि मुझे शूज लेके दे दे। मैंने नहीं लेने। ना ना मैंने नहीं लेने नहीं हमने शूज। नहीं नहीं मैं लेके आज लड़ाई थोड़ा पाने एक शूज पीछे। नहीं नहीं आज मैं शूज लेके। जूतियां थोड़ा खड़ी है मैं जूतियां पीछे। आपको मैं थोड़ी सी डेकोरेशन सिखाती हूँ जो हेलोवीन डेकोरेशन।
लुक एट दिस। कई बार ऐसी छोटी छोटी चीजें अपने नेबरहुड में मिल जाती हैं। खूह, ये वही खूह है जहाँ पे कुआं हिंदी में कुआं। फिर इन्होंने पता ही नहीं पंजाबी वाली गल से सुनी रहन दो। फिर जिते मलकी खूह थी उत्ते प्रदीपी सी पानी ते की मैं कोल आके बेनती गुजारे मतलब मैं पेंडर आई मर गए नी पैसे ओए 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 गॉड ओ माय गॉड ओ दिस इज सो क्रीपी एंड स्पूकी। चले भी दस ओड कब्र हां कब्र एंड ओ भूत भूत ना ट्रीज ते टंगे यो ऊपर ते आ भी डर जंदे हुन। मोमेंट ऑफ ट्रूथ हैज कम। को कितना टाइम है बिजली बट आ साडे पहलवान का इसकी रिस्ट इतनी बड़ी है कि गाड़ी पूरी नहीं आ रही उसमें से पता नहीं इसने कितनी निकाल दी बेचारे ने। और कहंदी और निकलने भी नहीं है कि इससे ज्यादा होगा नहीं। और लेट्स जस्ट होप प्लीज प्रे फॉर मी। प्रे फॉर मी इनू की कोविड होया तेनू। प्रे फॉर मी यार मैं वॉच मिलू नहीं चाहना। मैं तो कहना वॉच दे थले ना स्पंज ला ला जगह ही पर नहीं टाइडी करनी। किधर दे कर दे पे इधर। गाइज थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और आज पहली बारी ये वीडियो जो है ये व्लॉग जो है इट विल बी टू डेज। नॉर्मली इट इज़ वन डे। सो अगेन जो लोग कंप्लेन कर रहे थे व्लॉग नहीं आ रहा ये लो दो दिन ले लो हमारे। और मेरी वॉच मैं सोच रही वॉच का हम इतने ही कह रहा जल्दी जल्दी है ना वो वाला कर देंगे तो। और मेरी वॉच फाइनली मेरी वॉच ठीक हो गई फाइनली क्योंकि एक्चुअली स्टोरी वहाँ पे ये हुई कि जो लेडी थी जो कर रही थी थोड़ी ओल्ड थी उसको उसकी आई साइट इतनी कमज़ोर थी मतलब इतनी स्ट्रांग नहीं थी तो उसने पहली वाली वॉच मेरी ख़राब कर दी तो विच आई फेल्ट सैड बट उसको मैंने कुछ नहीं बोला। तो उसने मुझे गिफ्ट कार्ड दिया उसने बोला कि सेम जो पैसे हैं वो मुझे उसने कार्ड दे दिया उसका। शी सैड लाइक मैं स्टोर में कहीं भी देख सकती हूँ ऑनलाइन देख सकती हूँ सेम वॉच। तो मुझे एक्चुअली उससे बेटर मिल गई वॉच स्टोर में ही तो मैंने वो वॉच खरीद ली और उसने फिर वो फिक्स कर दी और फिर फाइनली हाँ इतनी आई नो लॉन्ग स्टोरी बट फाइनली आई हैव माई वॉच विद मी। और अभी हम लोग डिनर करके तो हमने वाली हो गई थी वहाँ पे जब इसकी वॉच खराब हो गई थी वो भी दस ना आई थिंक वो बनाया आपने। रोइना बंद करो यार बाद च गल करो। रोइना रोने वाली इसलिए क्योंकि इतना यू नो दो महीने से तो ऑलरेडी पड़ी हुई थी वो बेचारी और इतनी देर से हम सोच रहे हाँ। और फाइनली आई हैव गॉट द वॉच फिक्स्ड नॉट दैट वॉच फिक्स्ड अ न्यू वन विच इज़ इवन बेटर। और सो थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच प्लीज़ ऐसे प्यार देते रहो एंड हम वीडियो बनाते रहेंगे राइट ब्लू। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Bye.